Good afternoon to all of you and welcome to my lecture Chemistry with Ashish Arora. Today we'll continue further. देखो हम लोग ने काफ़ी सारा IUPAC में nomenclature के अंदर काफ़ी सारे rules देखे, काफ़ी सारी चीज़ें की. I'll continue further. ये chapter के अंदर IUPAC में थोड़े से basic चीज़ें और सीखने वाले हैं. सबसे पहला और एक classification हम सीखेंगे. Classification depends on the modes of arrangement. जरा ये वाला देखेंगे. आई थिंक आपकी स्क्रीन में नहीं आ रहा होगा, अभी आ रहा है. क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द मोड्स ऑफ अरेंजमेंट. देखो मेरे पास एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया है. इसमें हम हर एक कार्बन को डिफाइन करेंगे. हम क्या करने वाले हैं, एवरी कार्बन विल बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग और द अदर. जैसे कि यहाँ पे एक कार्बन ऐसा है जो दूसरे एक कार्बन से ही जुड़ा हुआ है. सर्टन कार्बन ऐसे है कि वो मैक्सिमम एक कार्बन से ही जुड़े हुए हैं. कैन यू सी इवन दिस कार्बन, इवन दिस कार्बन, करेक्ट और नॉट? तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन. क्या बोलेंगे उसको? एंड नॉर्मली ऐसे दिखाया जाता है. यहां पे लिखा है प्राइमरी कार्बन का मतलब ये हुआ, ए कार्बन अटैच्ड टू एटम ऑफ वन और मोर अनदर कार्बन, मैक्सिमम वन और नो अदर कार्बन. एक से ही जुड़ा होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी. बराबर है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? So, देखो यहां पे काफी सारे प्राइमरी कार्बन, जैसे कि ये कार्बन है वो खाली इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे एक से ही जुड़ा हुआ है, ये भी. तो जहां जहां पे मैंने ये वन नोट कर रखा है दैट मीन्स इट इज प्राइमरी कार्बन. आप देख सकते हो काफी जगह पे मैंने कर रखा है. कैन यू सी दैट? इवन दिस, दोस ऑल आर प्राइमरी कार्बन. उसको हम बोलेंगे प्राइमरी. देन वी हैव सेकेंडरी कार्बन. हमारे पास क्या है, सेकेंडरी कार्बन और दोस कार्बन एटम. इस पे जरा अगर आप ध्यान देते हो तो मैक्सिमम दो से ही जुड़े हुए. कितने से जुड़े हुए? दो. तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन. देखो यहां पे लिखा हुआ सेकेंडरी. सेकेंडरी कार्बन और दोस विच इज कनेक्टेड विद द और दो कार्बन के साथ. देन वी हैव टर्शियरी कार्बन. हमारे पास कौन सा है, टर्शियरी. टर्शियरी में वैसे कार्बन एटम जो दूसरे तीन के साथ जुड़े हुए हैं, वन टू एंड थ्री. देन व्हाट डू वी कॉल देम, टर्शियरी कार्बन एटम. तो दिस इज टर्शियरी, वहां पे साइन होगी. एंड देन वी हैव क्वार्टरनरी कार्बन एटम्स. क्वार्टरनरी कार्बन एटम्स आर दोस विच आर अटैच विद फोर मोर. जैसे कि इस पे ध्यान दोगे तो एक दो तीन और चार कार्बन से जुड़ा हुआ, दैट्स व्हाई इट इज क्वार्टरनरी कार्बन. सो आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस क्लासिफिकेशन, कि प्राइमरी कार्बन क्या है, सेकेंडरी कार्बन क्या है, टर्शियरी क्या है और क्वार्टरनरी क्या है. बराबर है, और चार कार्बन एटम्स. उसके बाद जो हम सीख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन्स. मेरी नोट्स में नहीं लिखा है लेकिन आप जरा यहाँ पे लिख सकते हो हाइड्रोजन. अगर हाइड्रोजन अटैच विद प्राइमरी कार्बन है तो वैसे हाइड्रोजन को प्राइमरी हाइड्रोजन बोलते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो ये रहा प्राइमरी कार्बन, उसके साथ ये तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो इन तीनों को आप क्या बोलोगे, प्राइमरी हाइड्रोजन. जैसे कि यहां पे देखो ये कार्बन प्राइमरी कार्बन था, उसके साथ तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए, उन तीनों को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन. सिमिलरली दोस हाइड्रोजन विच इज अटैच विद द सेकेंडरी कार्बन उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हाइड्रोजन. यहां पे लिखा हुआ, कैन यू सी दैट, ये सेकेंडरी हाइड्रोजन है. क्यों? बिकॉज इट इज अटैच विद सेकेंडरी कार्बन. सिमिलरली टर्शियरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे हम, टर्शियरी हाइड्रोजन. एंड जो क्वार्टरनरी कार्बन के साथ जुड़ा उसको क्या बोलेंगे, फैंटास्टिक, क्वार्टरनरी हाइड्रोजन होता ही नहीं है क्योंकि कार्बन ने ऑलरेडी चार बॉन्ड बना चुका है. वो क्वार्टरनरी कार्बन उसी को बोलेंगे ना, और कार्बन मैक्सिमम बॉन्ड कितने बनाते हैं, चार. तो पांचवा हाइड्रोजन कहां से आएगा, कार्बन चार ही बॉन्ड बनाता है और चारों के चारों किसके साथ जुड़ गया, वो अलग अलग कार्बन के साथ, तभी तो उसको क्वार्टरनरी बोलते. देयर इज नो क्वार्टरनरी हाइड्रोजन. मुझे पता था आप ब्लाइंडली बोल दोगे प्राइमरी के साथ जुड़ा हो प्राइमरी, सेकेंडरी के साथ जुड़ा सेकेंडरी, टर्शियरी के साथ जुड़ा हो टर्शियरी, क्वार्टरनरी के साथ क्वार्टरनरी के साथ जुड़ता ही नहीं हाइड्रोजन. देयर इज नो क्वार्टरनरी हाइड्रोजन. इज दिस फाइन, समझ में आ रहा है आपको? ओके, दैट्स ग्रेट. उसके बाद और एक क्लासिफिकेशन होता है जो हम कई बार यूज करने वाले हैं, वी हैव अल्फा बीटा गेमा क्लासिफिकेशन. बहुत सिंपल है. आप सब लोगों को पता है कि भाई एक फंक्शनल ग्रुप होता है किसी का ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, वो चाहे कोई भी हो, अल्कोहल हो, हैलोजन हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कोई भी हो,
उसके साथ जो कार्बन जुड़ा ना, वैसे कार्बन को हमने नंबर दिया था 1, उसके बाजू वाले को क्या दिया था 2, उसके बाजू वाले को 3, उसके बाजू वाले को 4th, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप से उसकी पोजीशन 4th है। ओके, इसी चीज को हम 1 2 3 4 जो है ना ग्रीक लेटर्स में इज नोन एज अल्फा बीटा गेमा डेल्टा। तो मतलब जहां पे भी जो फर्स्ट कार्बन लगता है OH के बाजू, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के बाजू में, वैसे कार्बन को हम क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। सेकेंड कार्बन को क्या बोलेंगे? थर्ड कार्बन को गामा, एंड द फोर्थ को, वो याद रखना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? ओके, देन व्हाट डू वी हैव? ओके, बेस्ड ऑन हाइड्रोकार्बन ग्रुप हम और एक क्लासिफिकेशन देखेंगे। हमारे पास असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, एलिसाइक्लिक है, एंड एरोमेटिक बेंजीनोइड हाइड्रोकार्बन है। अभी असाइक्लिक में मैं आपको एक अल्काइल ग्रुप के बारे में सिखाना चाहता हूं। व्हाट इज एन अल्काइल ग्रुप? ओके, जिन्होंने मेरे लेक्चर अटेंड किया उनको पता है, जो अल्केन होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसमें से अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल देते हो आप, तो आपको क्या मिलता है? अल्काइल ग्रुप। नॉर्मली उसको R से डिनोट किया जाता है। जैसे कि यह है मीथेन, हमारे पास मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो व्हाट डू वी हैव? इज मिथाइल। ओके, यह है इथेन, इथेन में से एक हाइड्रोजन निकल गया, हमारे पास रहता है, हमारे पास क्या रहता है? इथाइल। ओके, नाउ ऐसे अल्काइल ग्रुप में भी क्लासिफिकेशन होता है। दे आर नोन, ओके, सम ऑफ देम दे आर नोन एज नॉर्मल अल्काइल। किसी को सेकेंडरी अल्काइल बोलेंगे, किसी को टर्शियरी अल्काइल बोलेंगे, किसी को आइसो अल्काइल बोलते हैं, और किसी को, जरा हम समझते हैं इसको, क्या आइसो क्या है, सेकेंडरी क्या है, नॉर्मल क्या है। ओके, वन बाय वन सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं नॉर्मल अल्काइल के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? नॉर्मल। जैसे कि अगर हमारे पास ये प्रोपेन है, ओके, जैसे मैंने आपको आगे सिखाया, ये कार्बन को हम प्राइमरी बोलेंगे, सेकेंडरी बोलेंगे, या टर्शियरी बोलेंगे? वाई, दूसरे एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, इवन दिस इज प्राइमरी। कोई भी प्राइमरी आपका अल्केन क्या है, इसमें से हाइड्रोजन जाना चाहिए तो अल्काइल मिलेगा। अगर प्राइमरी कार्बन का हाइड्रोजन, यानी कि प्राइमरी हाइड्रोजन जब रिमूव हो जाता है ना, जैसे कि इसमें से प्राइमरी, मतलब मैं यहां से रिमूव करता हूं, और आपके पास जो अल्काइल ग्रुप बचा उसको हम नॉर्मल अल्काइल बोलेंगे। प्राइमरी कार्बन में से हाइड्रोजन निकला तो उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल। वो नॉर्मली एंड पे ही होंगे। प्राइमरी कार्बन कहां पे होंगे? एंड पे। वहां से निकलता तो उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल अल्काइल। दिस इज फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन प्राइमरी हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द स्ट्रेट चेन अल्केन। जैसे कि ओके, हमारे पास एक्चुअली ये था प्रोपेन, CH3, CH2, CH3, बट यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दिया मैंने, तो वो बन गया CH3, CH2, CH2। तो ऐसे प्रोपाइल को बोलते हैं नॉर्मल प्रोपाइल। प्रोपाइल अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। अल्काइल क्या है? एक हाइड्रोजन निकालो, जो निकला अगर प्राइमरी कार्बन में से निकला तो हमको क्या मिलेगा? नॉर्मल प्रोपाइल। सेम में ब्यूटेन में यहां से एक हाइड्रोजन निकल रहा है, यहां से एक निकल गया, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल ब्यूटाइल। अगर प्राइमरी वाला हाइड्रोजन निकला तो नॉर्मल। ध्यान से देखना, लेकिन सर अगर वो प्राइमरी वाला नहीं निकला, और जैसे कि यहां पे है, ओके, ये सेकेंडरी है, यहां से अगर हाइड्रोजन निकला तो आपके पास ऐसा मिलेगा, देखो CH3, CH, CH3। अच्छा, हाइड्रोजन निकलता है ना, उसके बाद वहां दूसरा कोई ना कोई ग्रुप जुड़ेगा, वो बाद में जुड़ेगा यहां पे, बट हाइड्रोजन निकला कहां से? सेकेंडरी कार्बन में से। तो ऐसे अल्काइल को बोलते हैं हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। यू कैन सी दैट दिस ग्रुप इज फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम सेकेंडरी कार्बन एटम। सेकेंडरी कार्बन एटम में से हाइड्रोजन निकल रहा है, देन वी कॉल देम सेकेंडरी ब्यूटाइल। इज दिस अंडरस्टूड? सेम में देखो, यहां पे सेकेंडरी में से निकला हुआ है, बट 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है, और हाइड्रोजन कहां से निकला है?
तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी बेंडर। नॉर्मल अल्काइल एंड सेकेंडरी अल्काइल में डिफरेंस सिखा रहा हूं। नॉर्मल अल्काइल में प्राइमरी में से निकलता है, सेकेंडरी में कहां से निकल रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? यस और नो, समझ में आ रहा है आपको? पक्का ऑल ऑफ यू? ग्रेट, विल कंटिन्यू फर्दर। देन वी हैव टर्शियरी अल्काइल ग्रुप। कैन यू से व्हाट काइंड ऑफ इट शुड बी? टर्शियरी, थर्ड में से नहीं, टर्शियरी कार्बन में से निकलता है। टर्शियरी कार्बन कौन सा होता है? वो कार्बन जिसके साथ तीन कार्बन और जुड़े हुए। यू कैन सी दैट, ये कार्बन जिसके साथ एक दो और तीन दूसरे जुड़े हुए थे, यहां से हाइड्रोजन निकला है। और याद रखना, हाइड्रोजन निकलता है ना तो वहां पे कोई दूसरा ग्रुप जुड़ता ही है। वो कौन सा अभी मैंने बताया नहीं है, अभी मैं खाली एक ही चीज पे अटका हुआ हूं। हाइड्रोजन निकल गया, वो कहां से निकला, वहां पे कौन सा ग्रुप आएगा, बात की बात है। ओके, तो उसको बोलेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल। व्हाई ब्यूटाइल? एक दो तीन और चार, मैं आपको समझाता हूं। सपोज ये था मेरे पास, ओके, अभी इसके साथ क्लोरीन में ज्वाइन कर रहा हूं। क्लोरीन उस तरीके से ज्वाइन करूंगा कि ये वाले हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे एंड देन वहां पे क्लोरीन लगता है। ये सी हाइड्रोजन यहां से निकला, कैन यू सी दैट? टर्शियरी में से निकला हुआ है, ये वाले में से निकल गया हाइड्रोजन और वहां पे जुड़ा क्लोरीन। तो इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। उसको क्या बोलेंगे? ये कॉमन नेम है। ये कौन सा नेम है? कॉमन। हमने जो डिटेल में प्रैक्टिस किया वो खाली आईयूपीएसी ही किया है। कॉमन नेम मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में आपको सिखाया नहीं, बट आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज कॉल्ड टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लोरीन जुड़ा तो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, क्लोरीन की जगह पे अगर OH जुड़ा होता तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। समझ में आ रहा है? बिकॉज टर्शियरी ग्रुप में से हाइड्रोजन निकला है। सेम वे यहां पे हमारे पास है, ओके, टर्शियरी पेंटाइल। एक दो तीन चार पांच, ये टर्शियरी कार्बन है। हाउ कैन यू से टर्शियरी? बिकॉज उसके साथ जुड़े हुए एक दो और तीन, वहां से कुछ निकला तो टर्शियरी पेंटाइल। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट पॉइंट? दैट इज कॉल्ड टर्शियरी पेंटाइल। टर्शियरी पेंटाइल के बाद हम बात करेंगे आगे आइसो अल्काइल ग्रुप। आइसो अल्काइल ग्रुप में होता क्या, जब ध्यान से देखना, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। नॉर्मली हाइड्रोजन तो प्राइमरी में से निकला है, प्राइमरी कार्बन में से निकला है। हाइड्रोजन कहां से निकला है? प्राइमरी कार्बन में से। बट आप जरा ध्यान से देखोगे ना, उसके सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ, जो उसकी चेन होती है ना, सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ दो CH3 ग्रुप जुड़े हुए। कई बार वो L शेप में होंगे ऐसे, कई बार L नहीं, कई बार ऐसे दो CH3 जुड़ेंगे, ये नहीं जुड़े होंगे। बट पॉइंट ये है कि वो सेकेंड लास्ट कार्बन पे दो CH3 जुड़े हैं, देन उसको क्या बोलते हैं? आइसो। ये मिलना चाहिए सेकेंड लास्ट कार्बन और उसके साथ दो CH3, कैन यू सी दैट? करेक्ट और नॉट? समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूं? टोटल कार्बन तीन और एक चार, तो उसका नाम बना आइसो ब्यूटाइल ग्रुप। ओके, और अगर यहां पे OH जुड़ गया, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, ब्रोमीन जुड़ा, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। दिस इज ऑल कॉमन नेम। वी शुड बी एबल टू नो कि आइसो क्या है। समझ में आ रहा है? यहां पे भी देखो, आइसो के लिए आइडेंटिफिकेशन है, सेकेंड CH पे दो CH3। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही लिखे होंगे, बट जरूरी नहीं ऐसे लिखे हो, कई बार ऐसे भी लिखे होते। तो ये भाई साहब कौन सा है? आइसो। सेकेंड लास्ट पे दो CH3 होने चाहिए। करेक्ट? आर यू गेटिंग दैट? देन वी हैव नियो अल्काइल ग्रुप्स। अच्छा भाई, तो मैं आगे बढ़ू, उससे पहले मैंने जो आपको नोट्स दिए उसमें बराबर इसी तरीके से लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ? ओके, आफ्टर लर्निंग आइसो लेट्स गो फर्दर एंड लेट्स गो फॉर नियो। नियो में और कुछ नहीं है, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके पास ये जो ग्रुप जुड़ता है वो ठीक है, यहाँ पे लंबा जाएगा, बट जो टर्शियरी वाला कार्बन है, ये सेकंड लास्ट कार्बन, उसके साथ तीन CH3 जुड़ने चाहिए। सेकंड लास्ट पे क्या जुड़ने चाहिए? तीन, देन उसको नियो बोलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, ये है सेकंड लास्ट कार्बन और उसके साथ तीन CH3, कैन यू सी दैट? देन इट इज नियो। टोटल कार्बन पांच है, इसलिए इसका नाम आता है नियो पेंटाइल। ओके, सेम वे, ओके, ये आप देख रहे हो
टोटल कार्बन 6 से नियो हेक्साइल, सेम में नियो हेप्टाइल, बट ये इंपॉर्टेंट चीज। और अगर कहीं पे खाली CH2 आता है देन इज नोन एज मिथिलीन ग्रुप। इसको क्या बोलेंगे? मिथिलीन ग्रुप। देन वी हैव अल्किनाइल ग्रुप्स। अल्किनाइल ग्रुप में क्या है, आपके पास ओरिजिनली इथेन था, बट अगर यहां से हाइड्रोजन निकल, डबल बॉन्ड वाला इथीन था, माफ करना, ओरिजिनली क्या था, इथीन, उसमें से एक हाइड्रोजन चला गया, देन उसको बोलते हैं अल्किनाइल ग्रुप। इसको काफी फेमसली नोन है, उसको बोलते हैं विनाइल ग्रुप कॉमन नेम में। ओके, सेम में अगर आपके पास ये प्रोपीना है CH2 डबल बॉन्ड CH3, यहां से एक हाइड्रोजन चला गया एंड जो बचता है हाइड्रोजन जाएगा तो वहां बन जाएगा CH2 एंड उसको बोलते हैं अलाइल ग्रुप। व्हाट डू वी कॉल इट? अलाइल। देन अच्छा, इसमें और इसमें जरा डिफरेंस जरा देखना, ये भी इथिन वाला पार्ट है, ये भी इथिन, लेकिन यहां पे ओके सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन गया है और यहां पे देन उसको बोलते हैं इथाइलीडीन। ओके, सेम वे प्रोपाइलीडीन। ओके, ये है आइसो वाला प्रोपाइलीडीन। एनीवे इतना डिटेल में नहीं आया तो डोंट वरी, बाद में आने ही वाला है, अभी के लिए इतना जरूरी नहीं है। सेम में ट्रिपल बॉन्ड में से अगर गया देन अल्काइनाइल ग्रुप बोलते हैं उसको, इथाइल प्रोपाइनाइल। इज दिस फाइन? देन मैंने आपको IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल्स सिखाए थे, बराबर है कि नहीं? वो IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल्स मैंने सब सिखा दिए। ओके, सर्टेन इसमें से नहीं बताए थे बट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। वी हैव लर्न दिस, ये वाला पार्ट सीख चुके, ये पूरा पार्ट सीख चुके। ओके, सो आई एम गोइंग फ्रॉम दैट, ये ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ, मेरे पहले लेक्चर्स में आ चुके। ओके, मुझे अभी ये जो IUPAC के रूल्स हैं ऑलमोस्ट मैं सिखा चुका हूँ, डायरेक्टली यहाँ से नहीं, लेकिन जो बाकी रह गए तो मुझे सिखाना, थोड़ा सा समझा दो, सिखा चुका, डोंट वरी। अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या तो ट्रिपल बॉन्ड है, स्लाइड नंबर आपके पास आएगा आई थिंक सो 34 स्लाइड पे लिखा हुआ है। ओके, नाउ जरा ध्यान से, अगर आपके पास जब आप नेमिंग देते हो और किसी के कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमारा रूल ये था जब तक मैं लास्ट टाइम सिखाया था कि आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, ये मैंने सिखाया था। अगर लॉन्गेस्ट चेन अगर आप इसको देखने जाओगे तो ये है 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन है, बट जब मैं ऐसा करता हूँ ना, ये चेन को लेता हूँ, देन एक्चुअली मैं डबल बॉन्ड वाले कार्बन को मेन चेन में नहीं ले रहा हूँ, दिस इज मेन चेन, आई एम नॉट ओके कंसिडरिंग दिस कार्बन इन टू मेन चेन, ये बाहर चला गया। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। ओके, मुझे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको तो मेन चेन में लेना ही पड़े, उसको तो मेन चेन में लेना ही पड़े। सो बट सर, उससे कार्बन की मेन चेन के अंदर कम कार्बन आए, उसमें 6 आ रहे थे, अभी कितने आ रहे, 5। कोई बात नहीं, वो रूल वायोलेट होता चलेगा लॉन्ग चेन वाला, बट इसको आप मेन चेन के बाहर नहीं रख सकते हो, यू कांट टेक दिस वन। तो प्रायोरिटी आपको देना है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मेन चेन में ही आए जब नंबरिंग दे रहे हो तो। इज दिस फाइन? ओके, इन पे हमने काफी सारा प्रैक्टिस किया, उसमें भी ये आया था। ओके, हमेशा जब आप नंबरिंग देते हो तो आप हमेशा डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले ऐसे करेंगे। जैसे कि देखो, अगर मैं नंबरिंग राइट टू लेफ्ट देता तो 1 2 3, 2 पे सीधी इसकी ब्रांच आ रही है, 3 4 5 6 एंड 7, ऐसा करता हूं तो ऑब्वियसली CA3 का नंबर छोटा आ रहा है, सेकंड नंबर पे उसका आ रहा है, एंड डबल बॉन्ड कौन से नंबर से चालू हो रहा है, 4। बट अगर मैं लेफ्ट टू राइट नंबर दे रहा हूं तो डबल बॉन्ड कहां पे आ रहा है, 3 पे। आपको इसको इंपॉर्टेंट नहीं देना, दो प्यार रखने, डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलेगा, इसको भले बड़ा नंबर मिले चलेगा। सो इंपॉर्टेंस इज डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है। इज दिस फाइन? सो लोवेस्ट नंबर इज असाइंड टू फर्स्ट अनसेचुरेटेड कार्बन, अनसेचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इवन आगे का रूल वायोलेट होता है तो भी। सपोज अगर कंडीशन ऐसी आई कि आपके पास कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, क्या है, डबल बॉन्ड भी है
ट्रिपल बॉन्ड भी है, ओके, और दोनों की पोजिशन सेम आ रही है। जैसे कि देखो मैं लेफ्ट टू राइट नंबर दे रहा हूँ तो ऐसे आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, एंड अगर राइट टू लेफ्ट नंबर दे रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, अगर आप देखते हो डबल बॉन्ड का नंबर 1 से चालू हो रहा है, सो ट्रिपल बॉन्ड का नंबर भी कहां से चालू हो रहा है? किसको प्रेफरेंस देने का भाई? अगर दोनों की पोजीशन इक्वल आती है तो अल्कीन को छोटा नंबर यानी कि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे और इसको बड़ा नंबर देंगे। पहला पॉइंट, मतलब ये ब्लू वाला हम नहीं लेने वाले। ये कब है? जब दोनों की पोजीशन इक्वल है। अगर मुझे इसका नाम देना है तो ये दोनों के दोनों सफिक्स में जाएंगे, आइन एंड इन, लेकिन सफिक्स में मोर इंपोर्टेंट आइन बन जाएगा। मोर इंपोर्टेंट आइन का मतलब ऐसा है, जैसे कि इसका नाम मैं लिखूंगा ऐसे लिखूंगा पेंट 1 पे इन, ओके, 4 पे आइन। मैंने ई का नंबर ड्रॉप भी किया यहां पे, ई एन ई का ई एन ई पूरा नहीं लिखा, आई हैव टू ड्रॉप ई। इसको इस तरीके से ही लिखेंगे। कोई बोलता है कि नहीं सर हम ऐसे लिखे तो पेंट, ओके, 4 आइन 1 इन, नहीं, इन पीछे नहीं लिखेंगे। बट सर उसका नंबर छोटा हमने इंपोर्टेंस दिया, नंबर उसको छोटा दो इन को, लेकिन पीछे तो हमेशा कौन आएगा? आइन, ओके। ये वाला गलत है, ये वाला सही है। आप ऐड कीजिए वहां पे आपके जो मैंने नोट्स दे रखी है, आप लोग भी आपने करेक्शन कर लिया आपकी नोट्स के अंदर। चलो आगे कंटिन्यू करेंगे। और एक एग्जांपल देखो, यहां पे एक है, अगर दोनों अल्किन एंड अल्काइन प्रेजेंट है देन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नेम्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ अल्काइन रादर देन अल्किन। जैसे कि यहां पे अभी इस बार डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम नहीं है। डबल बॉन्ड के अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं सेकंड पे मिल रहा है और ये फोर्थ पे मिल रहा है, तो इससे अच्छा है कि नंबरिंग आप यहां से दो। जब पोजीशन सेम होती है तभी अल्किन को छोटा नंबर देने का, बाकी तो अल्काइन को ही। अल्काइन इज योर मेन इंपोर्टेंट ग्रुप, 1, 2, 3, 4, 5, इसलिए इसका नाम आएगा पेंट 3 1 9। कैन यू सी दैट? इसका नाम क्या आएगा? पेंट 3 1 9। ओके, राइट नाउ अभी ये वाले पे मैं नहीं जा रहा हूं। ओके, अभी फंक्शनल ग्रुप हम देखेंगे। हमेशा फंक्शनल ग्रुप के लिए आप उस तरीके से सिलेक्ट करोगे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जहां पे फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इंक्लूड होना चाहिए। इवन आगे जो रूल्स मैंने सिखाए हैं वो भी वायलेट हो। जैसे कि देखो यहां पे ये एक OH है, ये भी एक OH है। अगर मैं लॉन्गेस्ट कार्बन देखने जाता हूं और मैं ये चेन लेता हूं, उसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बन आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, सबसे ज्यादा कार्बन ये चेन में आते हैं। जब मैं ये चेन लेता हूं ना तो ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो है उसके साथ जुड़ा कार्बन है वो मेन चेन से क्या हो गया? बाहर हो गया, उसको नहीं ले सकते। फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन से जुड़ा इट हैज टू बी इन मेन चेन। हम ये वाली चेन नहीं ले सकते, हमें ये वाली चेन लेनी पड़ेगी। उसमें क्या होगा? ये OH का कार्बन भी मेन चेन में आया 1, 2, 3, 4, इसका भी आ गया, और ये बन जाएगा। डिड यू गेट दैट? समझ में आ रहा? सेम थिंग ओवर हियर। अगर मैं यहां पे आता हूं तो ये लॉन्गेस्ट चेन है, कैन यू सी दैट? उसके अंदर 5 कार्बन आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन उसको नहीं लेंगे। क्यों? जब मैं ये लेता हूं तो ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इट्स आउट ऑफ द चेन। वी कांट डू दैट। We have to take that carbon into main chain. Main chain में लेने के लिए आप ऐसा करोगे 1, 2, 3, 4, ये दोनों को ब्रांच बना दोगे 1, 2, 3, 4, ओके। आपकी नोट्स में लिखा नहीं हुआ है तो आप खाली इसकी मेन चेन बना दीजिए इस तरीके से और नंबर दे दीजिए। इवन आप लोग भी आई बिलीव आप लोगों ने वो लिखा। हम कंटिन्यू करेंगे आगे और इसके बाद ये रहा मेरा, मैं उसको ढूंढ रहा था। याद रखना कोई फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है, खुद का कार्बन, जैसे कि ओके नाइट्राइल ग्रुप के पास खुद का कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप का अल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमाइड्स है,
वो मैंने सीखा है आपको, तो उसको भी मेन चेन में गिनने का, 1 2 3, ये 3 कार्बन वाली चेन है, इन दोनों को गिना और इसको नहीं गिना ऐसा नहीं, ये भी मेन चेन में 1 2 3 4 कार्बन चेन, बराबर है कि नहीं? सो जब भी हम नंबरिंग देंगे फंक्शनल ग्रुप में, वी विल ट्राई टू गेट, भाई फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलना चाहिए, ओके? जैसे कि यहां पे बताया गया, ये आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 एंड 6, अगर मैं राइट टू लेफ्ट जाता ना तो देखो 1 2, मिथाइल की ब्रांच सबसे छोटी बन जाती, 2 3 4, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये फंक्शनल ग्रुप को कौन सा नंबर मिल रहा है? 4, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, छोटा किसको मिलना चाहिए था? ये, दैट्स व्हाई राइट टू लेफ्ट लेंगे। यहाँ पे भी ऐसा है, देखो आपकी मेन चेन यहाँ से चालू हो रही है, क्यों? क्योंकि OH को छोटा नंबर मिलना चाहिए, तो ये कार्बन 1 2 3 4 एंड 5, ओके। तो उससे हमें एक चीज तो जरूर पता चल गई कि सबसे छोटा नंबर किसको मिलना चाहिए, उसके बाद किसको मिलना चाहिए, आंसर मतलब डबल बोन एंड ट्रिपल बोन, एंड उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब हो गया आपका मिथाइल इथाइल प्रोपाइल नाइट्रो हैलोजेंस, सबसे लिस्ट में आते हो, ये एक सीक्वेंस है, करेक्ट नॉट? एंड मैंने आपको पहले भी बताया था, ये अगर आपके पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आता है तो प्रायोरिटी किसको देने की, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी हम देंगे COH, SO3H, ये एस्टर है, COR, COCl, CONH2, ओके, आयन तक। नंबरिंग में हम प्रायोरिटी इस तरीके से देंगे, नंबरिंग प्रायोरिटी, इज दिस फाइन? एक्चुअली मैं खाली आपको सिखा रहा हूं क्योंकि हमने काफी सारा प्रैक्टिस किया, तो प्रैक्टिस में ये रूल नोइंगली और अननोइंगली हमने फॉलो किए, मैंने थियरी नहीं सीखा, जिस दिन नंबरिंग करने आपको सिखा दिया था, ओके? यहां पे IUPAC नोमेनक्लेचर का, ओके, मैं ऑलमोस्ट हमारा 11th और 12th के सिलेबस के टॉपिक्स सिखा चुका हूं, IUPAC नोमेनक्लेचर के जो रूल्स है